नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैक में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ 1 अक्टूबर का जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है, तो उसके सभी जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो आपको आने वाले एग्जाम में भी आपको देखने को मिल सकते हैं, जो कि विज्ञान और करंट अफेयर्स के हैं। तो दोस्तों, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखते रहिए, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही उसके साइड में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप उसे सबसे पहले देख सकें। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है जो पूछा गया था, हाइड्रोजन किस प्रकार का तत्व है। तो हाइड्रोजन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया कि हाइड्रोजन किस प्रकार का तत्व है, तो ये एक अधातु है, तो आप इसका सही आंसर लगा सकते थे, अधातु। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा गया था, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने समूह तथा वर्ग होते हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट होकर दोबारा पूछा गया है, करीब 25 या 26 सितंबर को ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह तथा कितने वर्ग होते हैं। तो 18 समूह 7 वर्ग होते हैं, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, हमारी आंखों के अंदर किस प्रकार का लेंस होता है। तो दोस्तों, ये पूछा गया था कि हमारे आंखों में किस प्रकार का लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है, आप सभी को पता होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी पहले कई बार रिपीट हो चुका है, करीब ALP एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि रक्त का pH मान कितना होता है। तो आप सभी को पता भी होगा रक्त का जो pH मान होता है 7.4 होता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, कोका कोला में क्या पाया जाता है। तो दोस्तों, जो कोका कोला होती है यानी कि जी पेप्सी होती है कोका कोला, तो इसमें पूछा है कि इसमें क्या पाया जाता है, तो ये फास्फोरस पाया जाता है इसमें, जो काफ़ी नुकसानदायक होता है अगर आप इसे ज़्यादा पीते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, सोयाबीन के अंदर सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि सोयाबीन से हमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है मिलती है, तो इसमें सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन ही पाया जाता है, तो आप इसका आंसर सही तरीके से लगा सकते थे, प्रोटीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, पौधे जगत में ऐसा कौन सा जगत है जिसका शरीर का आकार सबसे भिन्न होता है। यानी दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि पौधे जगत में ऐसा कौन सा समूह या जगत होता है जिसके शरीर का आकार और सभी पौधों से सबसे अलग होता है। तो थैलेफाइटा नाम का जो जगत होता है, इसका शरीर का आकार सबसे अलग होता है, और करीब जैसे इसमें शब्द में है थैलोफाइटा, तो जैसे थैले आ रहा है इसमें थैला, तो करीब अलग ही प्रकार का थैले प्रकार का इसका शरीर का आकार होता है, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, छोटे बच्चों में कुल कितने, सॉरी दोस्तों यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई लिखने में, क्वेश्चन है छोटे बच्चे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो क्वेश्चन ये है, तो एक वयस्क मनुष्य में 206 होती हैं, और जो छोटा बच्चा होता है शिशु होता है उसमें 300 हड्डियां पाई जाती हैं, तो आप इन दोनों बातों को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में सबसे भारी धातु कौन सी है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है, तो आज भी पूछा गया, तो सबसे भारी धातु ओस्मियम होती है, आप सभी को पता होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, 1/2 mv² यानी कि गतिज ऊर्जा जो का जो फॉर्मूला होता है 1/2 mv², तो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, रविंद्रनाथ टैगोर के स्कूल का नाम क्या था। तो दोस्तों, आपको बताना था इस क्वेश्चन में कि रविंद्रनाथ टैगोर के स्कूल का नाम क्या था, तो इनके स्कूल का नाम शांति निकेतन था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो पूछा गया था, तो आप इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, नैनीताल झील कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया था, नैनीताल झील कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है, और मैं आपको बता दूं जितनी भी उत्तराखंड की झीलें हैं उनके सभी के पीछे ताल लगा हुआ है, तो आप इस तरीके से इन्हें याद कर सकते हैं कि जितनी झीलें अगर आप ऑप्शन में देखते हैं तो आप इस तरीके से इसका आंसर लगा सकते हैं कि नैनी उत्तराखंड की झीलों के पीछे सबके ताल लगा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप सभी को पता होगा हिमाचल प्रदेश की जो मेन यानी कि जो उसकी मुख्य राजधानी है शिमला है, तो आप सभी को इसके बारे में पता है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो इसकी दूसरी राजधानी है कौन सी है, जिसे इसे दूसरी राजधानी माना जाता है, तो धर्मशाला को इसकी दूसरी राजधानी कहा जाता है, और आप सभी जानते हैं धर्मशाला में जो क्रिकेट का स्टेडियम है ये विश्व में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे यानी स्थित है, तो आप इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, उड़ान स्कीम पीएम मोदी ने किस एयरपोर्ट से प्रारंभ की थी। तो दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया था कि पीएम मोदी ने एक उड़ान स्कीम जारी की थी, इन्होंने किस एयरपोर्ट से प्रारंभ की थी,
तो दिल्ली से शिमला के बीच में इन्होंने पीओ स्कीम प्रारंभ की थी, तो इसका आंसर आप लगा सकते थे दिल्ली से शिमला। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है जो पूछा गया था, 2017 में महिला वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीती थी। तो दोस्तों आपको बताना था कि 2017 में जो महिला वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई थी इसे किसने जीता था। तो नोजोमी ओकुहारा ने इसे जीता था, और इन्होंने फाइनल में जो हराया था पीवी सिंधु को हराया था, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पूछा गया था मिजोरम के गवर्नर कौन है। तो आपको बताना था कि मिजोरम के गवर्नर कौन है, तो राजशेखर जी मिजोरम के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, एप्पल के सीईओ कौन है। तो दोस्तों पहले ही पूछा जा सका है जा चुका है कि एप्पल के सीईओ के बारे में कौन है, तो टिम कुक यहाँ के एप्पल के सीईओ हैं, तो आप इसे भी याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, गुजरात के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है। तो आप सभी को पता होगा गुजरात के इस समय जो मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी जी हैं, तो आप इसे भी याद रखिएगा। और दोस्तों जितने भी मैं अब ये क्वेश्चन देख रहा हूँ, अधिकतर जितने भी आगे रोजाना डेली बेस रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो रहा है, जितने भी शिफ्ट में अधिकतर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक न एक मुख्यमंत्री सीईओ या अध्यक्ष इसी प्रकार के अधिकतर क्वेश्चन अब पूछने को जरूर मिल रहे हैं। तो आप जितने भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आप इन्हें पक्का कर लीजिए, आपके 4 से 5 नंबर इसमें पक्के हो जाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, म्यांमार का वर्तमान में राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो दोस्तों क्वेश्चन ने पूछा था कि म्यांमार का वर्तमान में राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो ग्रे पिकॉक इसका राष्ट्रीय पक्षी है, आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, पूजा खाद्यान्न किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों पूजा खाद्यान्न के बारे में पूछा था कि यह किस खेल से संबंधित है, कौन सा खेल खेलती है, तो बुसु खेल से संबंधित है ये पूजा कादियान, तो आप इसे याद रखिएगा बुसु खेल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, 2017 का मंगेशकर अवार्ड किसको दिया गया था। तो दोस्तों ये जो मंगेशकर अवार्ड है ये प्रतिवर्ष दिया जाता है, तो यहाँ पूछा गया था कि 2017 में मंगेशकर अवार्ड किसे दिया गया था, तो जावेद अख्तर को मंगेशकर अवार्ड अवार्ड दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ पर 2017 पद्मश्री अवार्ड के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो कई लोगों को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, तो आपके उसके अनुसार ही इसका आंसर आप लगा सकते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2023 है, 2018 में फ्रेंच ओपन किसने जीता था। तो दोस्तों 2018 और 2017 में जो फ्रेंच ओपन जीता है राफेल नडाल ने जीता है, तो दोस्तों आप इस चीज़ को याद रखिएगा, अगर आपसे आगे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि 2017 का फ्रेंच ओपन किसने जीता, तो 2017 में भी राफेल नडाल ने जीता था, और अब 2018 में भी राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन जीता है, तो आप इसे याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, मंगोलिया की राजधानी क्या है। तो आपको मंगोलिया देश की राजधानी बतानी थी क्या है, तो यहाँ पर मिस्टेक है थोड़ी लिखी हुई, उलान बटोर है जो मंगोलिया देश की राजधानी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, 2018 में ओस्कर अवार्ड किस फिल्म को दिया गया था। तो दोस्तों जो अभी अभी सुए की मीटिंग में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि 2016 में ओस्कर अवार्ड किस फिल्म को दिया गया था, तो 2016 में दिया गया था कोक सॉरी यहाँ पर जो तो 2016 में दिया गया था स्पॉटलाइट, यानी कि स्पॉट SPOTLIGHT, स्पोर्ट लाइट को 2016 में दिया गया था, और यहाँ पर आज पूछा था दूसरी शिफ्ट में कि 2018 में किसे दिया गया ऑस्कर अवार्ड, तो 2018 में दिया गया द शेप ऑफ वाटर। मैंने आपको सुबह भी ये क्वेश्चन बताया था कि आगे पूछा जा सकता है कि 2018 में द शेप ऑफ वाटर को दिया गया है, और 2016 में दिया गया था स्पोर्ट लाइट को। तो दोस्तों मैं आपसे इसलिए कहता हूँ कि प्रत्येक वीडियो में आप रोजाना, अगर आपका आगे आने वाला एग्जाम है, तो आप रोजाना जितने भी शिफ्ट के पेपर हो रहे हैं आप उन सभी को जरूर देखिएगा, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है, क्योंकि कई क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो दोस्तों उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, विराट कोहली को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, रॉकेट मैन किसे कहा जाता है। तो दोस्तों रॉकेट मैन के सिवान को कहा जाता है, और इस समय ये वर्तमान में भारत के इसरो के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, तो आप इसे याद रखिएगा, आपसे आगे पूछा जा सकता है कि इसरो के नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो के सिवान को बनाया गया है, और इन्हें रॉकेट मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं,
तो क्वेश्चन नंबर 28 है, किस भारतीय महिला ने वनडे क्रिकेट में 6,000 रन पूरे किए हैं? तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी रिपीट करके दोबारा पूछा गया है कि कौन सी भारतीय महिला है जिसने वनडे क्रिकेट में 6,000 रन बनाए हैं? तो मिताली राज ने 6,000 रन बनाए हैं, और दोस्तों ये सबसे ज़्यादा वनडे क्रिकेट खेलने वाली महिला बनी है, तो आप इस चीज़ को भी याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आईफा अवार्ड 2017 बेस्ट फिल्म कौन सी थी? तो दो दोस्तों आईफा अवार्ड 2017 में जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था, निर्जा को दिया गया था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप इस चीज़ पे विश्वास नहीं करेंगे कि ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन आज ये दूसरी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, काफ़ी इजी सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहे हैं। तो भारत का क्षेत्रफल में 7वां स्थान है, जो कि आप सभी को पता होगा। तो दोस्तों यही थे जितने क्वेश्चन आज मुझे सेकंड शिफ्ट के मिले थे, 30 क्वेश्चन थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।